नमस्कार। आप सभी लोगों ने हाल ही में खबर पढ़ी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कश्मीर में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में चुनावी रैली को संबोधित किया गया है और कश्मीर के लोगों से बात कही गई है कि कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होंगे और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कश्मीर में पहले क्या स्थिति थी और आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली, चुनाव किस प्रकार से होंगे, विधानसभा सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, जो आने वाले एग्जाम में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है करंट अफेयर्स है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि नवंबर 2018 की बात करेंगे, 21 नवंबर 2018 को जब प्रथम कार्यकाल था बीजेपी गवर्नमेंट का, तो वहां पर राज्यपाल के द्वारा इस डेट पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग कर दी गई थी। इसके पहले बीजेपी और पीडीपी की यहां पर सरकार चल रही थी महबूबा मुफ्ती की, और उस समय अगर हम बात करते हैं पहले तो जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा होती थी जिसको निचले सदन हम कहते थे और एक विधान परिषद होती थी जो उच्च सदन के नाम से जाना जाता था। 2019 में जब द्वितीय कार्यकाल आता है तो उस समय जो अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करा था उसको समाप्त कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तोड़ दिया जाता है। यह खबर आप सभी लोग को पता होगा, ये लगभग 5 साल पुरानी खबर है। ठीक है, तो यह जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, जो कि 5 अगस्त को राज्यसभा में पारित होता है गृह मंत्री मिश्रा जी के द्वारा, उसके बाद लोकसभा में पारित होता है। ठीक है, और इसका जो प्रभाव की तिथि है वो 31 अक्टूबर है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को यह डेट आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 370 यहाँ पे खत्म हो जाता है और यह जो पुनर्गठन अधिनियम है यह प्रभावी रूप से लागू हो जाता है। बात करते हैं 16 अक्टूबर 2019 की, विधान परिषद जो कश्मीर की विधान परिषद है उसको औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अब जो कश्मीर है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है जम्मू कश्मीर, और उसके पास केवल क्या है, एक विधानसभा है, अपनी विधानसभा है जिस पर अभी तक इलेक्शन नहीं करवाया गया है। ठीक है, विधानसभा के साथ उसको ये बिल्कुल इसी जैसे दिल्ली की है, यहाँ पर जैसे हमारा दिल्ली है वहां पर विधानसभा है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, और लेकिन वहां पे क्या है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है और कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बात करते हैं तो कुल इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का मैप बन जाता है, और जो ये पीओके वाला एरिया है इसको भी लद्दाख के क्षेत्र में शामिल कर दिया था, और ये होता है आपका जम्मू और कश्मीर। लद्दाख में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, एक लेह और एक यहाँ पे एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में ये हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा के लिए अगर देखें वहां पर तो कुल 6 लोकसभा सीटें हैं कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जो 3 सीटें हैं कश्मीर में है, 2 सीटें जम्मू में है और 1 लद्दाख की सीट है वहां पर। तो अब हम बात करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन होता है विधानसभा की सीटों की संख्या बदली जाती है, और आने वाले टाइम पे हम देखेंगे विधानसभा जो चुनाव है जो उसका घोषणा हो गई है वह किस प्रकार से होगा। तो परिसीमन कराना बहुत जरूरी है, जब आपने 370 खत्म किया है तो नए सिरे से वहां पर सीटों की संख्या का पुनर्गठन किया जाएगा और सीटों की संख्या में बदलाव आएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी है। ठीक है, तत्कालीन जब पहले थी तो वहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कुल मिलाकर के 111 थी। ठीक है, जिसमें कश्मीर के पास 46 सीटें थी, जम्मू कश्मीर में 37 सीटें थी और लद्दाख में 4 सीटें थी। साथ बात ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो पीओके है वहां पे हम लोगों ने 24 सीटें रिजर्व करके रखी हुई है, छोड़ के रखी हुई है, क्योंकि वहां पर जब पीओके हमारा पार्ट बनेगा तो वहां पर हम चुनाव करवाएंगे, तो 24 सीटें जो अलग से वहां पर रखी गई थी रिजर्व करके अभी भी वो उसी प्रकार से रखी जाती है। तो जो परिसीमन था जो जनसंख्या के हिसाब से वहां पर सीटों का पूर्ण निर्धारण करना था, तो इसका जो गठन है वो 6 मार्च 2020 को किया गया था। इसके अध्यक्ष का नाम आप लोग चाहें तो याद रखते हैं, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो थे जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे। अब परिसीमन के बाद जो पहले कुल सीटें जो वहां पर 111 थी, अब यहां पर आप लोग देख पाएंगे कुल सीटें की संख्या कितनी हो चुकी है, 114 हो चुकी है। ठीक है, जिनमें 24 सीट अभी भी उन क्षेत्रों के लिए नामित है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत उनको अपना पार्ट मानता है इसलिए 24 सीटें वहां पर छूट जाती हैं। अब शेष बच गई 90 सीटें, तो 43 सीटें जो है वो जम्मू संभाग को है और 47 जो सीटें हैं वो कश्मीर संभाग में है। और इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो कुछ सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति और जाति के रिजर्व भी कर दी गई हैं। ठीक है, तो जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए यहाँ पे 9 सीटें आरक्षित है 90 में से, मतलब 10%, जो अनुसूचित जाति की है वहां पे लगभग
सात सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। तो 9 और 7 16 सीटें कुछ जो है विधानसभा में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन भी दिया गया है, जो पहले नहीं मिलता था। तो परिसीमन आयोग के बारे में दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ये राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से ये कार्य करता है। तो इस प्रकार अगर चुनाव होता है तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 90 सीटों पर चुनाव होगा, ठीक है, 90 सीटों पर चुनाव होगा और 24 सीटें जो है वो पीओके के लिए हम लोग छोड़ के रखते हैं। तो कुल इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले की स्थिति थी, ठीक है, पहले 24 सीटें खाली रहती थी और अभी वर्तमान की स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी 90 विधानसभा सीटों के साथ में, ठीक है। कुल 7 सीटें बढ़ी हैं, 6 जम्मू में बढ़ाई गई हैं और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई गई है, ठीक है। 2 सीटें जो है कश्मीर पंडितों के लिए रिजर्व रखी गई है इसमें, और पहली बार एसटी के लिए यहाँ पे 9 सीटें भी रिजर्व होंगी। और कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान है जो पीओके से विस्थापित होकर के आएंगे या आए हुए हैं उनके शरणार्थियों के लिए कुछ रिजर्वेशन का भी प्रावधान रखा गया है। तो कुछ इस प्रकार से विधानसभा जम्मू कश्मीर की बनेगी और इस पे जब चुनाव करवाए जाएंगे तो इस प्रकार से चुनाव होंगे। और काफी समय से लगभग 5 साल से अधिक समय बीत चुका है जम्मू कश्मीर में अब तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।